था, ठीक है, वेरिएबल्स क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मान के चलो कोई इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं ए, ठीक है, ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर इस ए में हम लोग, इस ए को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इक्वल टू, मैं 10 देता हूँ, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि 10, 20, 30, 40 ऐसा हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेरिएबल की बात थी। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू देना है, अगर कोई एक ऐसा हम लोग को स्टोरेज बनाना है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज दे सके, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हम लोग दे सके, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एरे, ठीक है। इस एरे में हम लोग सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर का हम लोग कोई एरे बना रहे हैं ए, ठीक है, ऐसा बनाए, उसके सामने इस टाइप का हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर होने वाले, मतलब कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं 5 देता हूँ, तो इसके अंदर 5 वैल्यू मैं दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 10 दे दिया, 20, 30, 40, 50, कितनी वैल्यूज हो गई, 5 वैल्यूज हो गई, ठीक है। और इसका एरे का साइज क्या हो गया, 5 हो गया। साइज क्या है, 5, ठीक है। साइज 5 मतलब एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे जो सिंगल, यहाँ पे जो बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, ओके। साइज 5 है, मतलब 5 एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ साइज नहीं देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, साइज नहीं देते हैं, उस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसका साइज डिफाइन कर लेगा। जितने भी वैल्यूज हम लोग डालेंगे, मान लो यहाँ पे हम लोग 10 वैल्यू डाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस टाइप से हम लोग वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एरे बनाते हैं, एरे, इसको हम लोग बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं, एरे, ठीक है। इंट एक्स, एक्स, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने दे दिया 5 और लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। अब हम इस एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे में हम लोग इसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग के पास दो मेथड है, ठीक है, हमारे पास दो मेथड होते हैं इसको इनिशियलाइज करने के। या तो हम लोग इसकी इंडेक्स वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो 5 एलिमेंट्स है, उसके लिए यहाँ पे इस टाइप से एक स्पेस बनेगा, ठीक है। ये एक एरे है मान के चलो, ठीक है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो इस टाइप का 5 स्पेस बन जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करेगी करेंगे वो इसी स्पेस पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा जो एक्स ऑफ 5 इक्वल टू, इस टाइप का हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जो इसका साइज है 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट डाल देंगे। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा मैंने डाल दिया, ओके। देन इसके बाद क्या क्या करेंगे, ये 10 वैल्यू जो है कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50,
और 50, ठीक है। ये x ऑफ साइज 5, ठीक है, इस एरे का साइज क्या है, ये x नाम का एरे है और इसका साइज है 5, ठीक है। अब जितनी भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स इस एरे के अंदर स्टोर होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर, 10, 20, 30, 40, 50, सबका डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका एक इंडेक्स होगा, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, ठीक है, ये 0 इसकी पोजीशन है, ठीक है। देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस इंडेक्स से एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। मीन्स ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, जो ये 10 है, ये एक घर है, मान के चलो एक कॉलोनी है, उसमें 5 घर है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सबको एड्रेसिंग कर दी है, एड्रेस दे दिया है। एड्रेस यहाँ नहीं बोलते हम लोग, उसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हाउस नंबर 0 है, हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है, हाउस नंबर 4 है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स 0, 0 में कौन रह रहा है, वैल्यू 10 रह रही है, ठीक है। 1 में कौन है, 20 है, 2 में कौन है, 30 है, 3 में कौन है, 40 है, 4 में कौन है, 50 है, ठीक है। तो इंडेक्स का यूज होता है इस एरे को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इंडेक्स का यूज कैसे होता है, इस एरे को एक्सेस करने के लिए, मींस एरे को एक्सेस करना मींस क्या होगा, हम लोग इस इंडेक्स तक पहुंच के इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। इंडेक्स नंबर अगर 0 में बोलता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं x ऑफ 0, तो कौन सी वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं विथ इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहां पे मैंने दे दिया x ऑफ 0 इक्वल टू 10, ठीक है, x ऑफ 1 इक्वल टू 20, x ऑफ 2 इक्वल टू 30, x ऑफ 3 इक्वल टू 40, x ऑफ 4 इक्वल टू 50, मैंने इस प्रकार से भी इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं, ठीक है, या तो हम लोग इस प्रकार से कॉमा से सेपरेट करके हम लोग बना सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ओके। तो ये है सेकंड नंबर और ये फर्स्ट, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं। जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया, ठीक है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे कैसा हुआ, ये सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली ही ये क्रिएट किया जा रहा है, आया समझ में। मतलब अगर इसमें 10 होगा तो यहां से और डब्बे बढ़ते जाएंगे इसके, और वहां पे जाके स्टोर होते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे, यहाँ पे सिंगल साइज दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे को इसी प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है, या तो हम लोग इस इंडेक्स नंबर से भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार से भी हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग ऑफ एरे, एरे को एक्सेस करने का दुनिया में एकमात्र तरीका अवेलेबल है, ठीक है, वो तरीका है फॉर लूप। फॉर लूप से ही हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यही सिर्फ एकमात्र तरीका है, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर लूप को यहाँ पे भगवान मानेंगे और इसी से ही हम लोग इस एरे को एक्सेस करेंगे, ठीक है। अगर मान के चले हम लोग एक एरे बनाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट ए और यहाँ पे मैं दे दिया 5 इक्वल टू, इस टाइप हमने एक एरे बना लिया जिसमें वैल्यू है 10, 20,
20, 30, 40, 50 इस टाइप का हमने एक एरे बनाया। अब मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास एक तरीका है, फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग जानते हैं कि कैसे लिखते हैं हम लोग फॉर लूप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए इंडेक्स अवेलेबल है, ठीक है। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 को अगर एक्सेस करना है तो इंडेक्स हम लोग 0 को एक्सेस करेंगे और वैल्यू हम लोग को मिलेगी 10, ठीक है। 1 को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 20, 2 को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 30, 3 को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 40, ठीक है। 4 को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 50। तो यहाँ पे हमारे पास साइज है 5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम साइज है, हम लोग को एक्सेस कैसे करना है, इस इंडेक्स से एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, यहां से हम लोग लूप चला लेंगे 0 से, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाना है हमें, 4 तक ले जाना है, आई इज लेस देन 5। तो 0 से स्टार्ट हुआ, आई इज लेस देन 5 मतलब कहाँ जाके रुकेगा, 4 तक जाके रुकेगा, ठीक है। कितना स्टेप जाना है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल सा हमने लूप लगाया, लूप को कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, ठीक है। और कितना स्टेप चल रहा है, सिंगल स्टेप चल रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंटफ हमने लिखा और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे a ऑफ i ऐसा। तो कैसे ये एक्सेस होगा, a ऑफ 0, लूप की वैल्यू 0 होगी तो a ऑफ 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, a ऑफ 1, ठीक है। फिर a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, ठीक है। 5 बार एक्सेस कर लिया, मतलब इंडेक्स 0 को एक्सेस कर लिया, इंडेक्स 1 को एक्सेस कर लिया, इंडेक्स 2, 3, 4 सभी को एक्सेस करके वो प्रिंट कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे को हम लोग फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं। दुनिया में एकमात्र तरीका है, अगर और कोई दूसरा तरीका आप लोगों को मिल जाए तो मुझे भी बता दे, ठीक है। तो एकमात्र तरीका है फॉर लूप, फॉर लूप से ही हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं।